हेलो 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 सारे भैन भ्राएं जय मसीह की हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का वचन मरकुस 11 अध्याय और पहला वचन है कि परमेश्वर ने आज के दिन गधे के बच्चे के उत्ते सवार होकर परमेश्वर आए क्योंकि आज का दिन जरा तिजोरी इतवार कहने अज के दिन आम इतवार हर जगह मना रहे इंसान तो अभी असं वचन पढ़ते मरकुस 11 अध्याय पहला वचन जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेथागे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा हालेलुया हालेलुया जब परमेश्वर ने यरूशलेम के नेड़े आए जैतून पहाड़ से बेथागा बेतनिया उसके कोल आए तो अपने चेले दो चेले ने यह कह के भेजा परमेश्वर ने की क्या सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने दो चेले सदे कहता सामने वाले पिंड में जाओ और उसे थोड़ा के गधी का बच्चा मिलेगा उस बच्चे से कभी कोई सवाल नहीं होया कभी नहीं चढ़िया उसे खोल कर लाओ कहता उस गधे के बच्चे ने तुम खोल के मेरे को लाओ जब तुमसे कोई पूछे यो क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है जब तुम गधे के बच्चे ने खोलोगे अगर उसे कोई तुम पूछे कि इन क्यों खोलते हो तो तुम कहना कि साढ़े प्रभु ने भेजा उन्हों ये काम ने जरूरी है कि उन्हों चाहिए है और वह शीघ्र उसे वहां भेज देगा तो उन्होंने फिर तो रुकना नहीं उन्होंने फटाफट सानू भेज देंगे उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर दार के पास चौक में बांधा हुआ पाया हालेलुया हालेलुया जब प्रभु के चेले गए उस गांव में उस पेड़ में तो वो गधी का बच्चा किले से बनया होया देखा उन्होंने मिल गया जो प्रभु ने किया सी उसी तरह उन्होंने पाया और खोलने लगे तो उन्होंने उस गधी के बच्चे को खोलने लग पे उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे बच्चे बहुत से लोग खड़े सी तो कोई कोई लोग उन्होंने कहने लगे जो गधी के बच्चे को खोल रहे सी ये क्या करते हो तो कहते ये तुसी की करते पे अभी गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो कहते तुम्हें गधी के बच्चे ने किले में क्यों खोल रहे हो बिना किसी ने पूछे दसे क्यों खोलते हो यह यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया तो जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा ही उन्होंने फिर तुम्हें देखकर कोई पूछे तो तुम्हें क्यों कि सारे गुरु ने भेजा उन्हें गुरु ने चाहिए इसी तरह कह दो तो तुम्हें किसी ने नहीं रोकना इन्होंने इसी तरह कह दिया तब लोगों ने उन्हें जाने दिया फिर जो इतने लोग सीखे उन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने कहा जाओ उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले हालेलुया हालेलुया और गधे बच्चे नु खोल के लाए प्रभु यीशु मसीह के कोल और उसे उस बच्चे ने उसे अपने कपड़े बढ़िया गधे ने उसे कपड़े पा दिए गधे बच्चे ने और वह उस पर बैठ गया हालेलुया हालेलुया तो परमेश्वर ने जो देखा वो बच्चे नु गधी दे बच्चे ने कपड़ा पाया ऊपर तो प्रभु यीशु मसीह उत्ते गधी दे उत्ते बैठ गया उस बच्चे से सवारी की थी प्रभु
परमेश्वर के ये संसार के लोग एक गधे की तरह है, इन्होंने परमेश्वर ने बचाने वास्ते बहुत कुछ किया, इन संसार के लोगों से परमेश्वर ने सवारी की है। पर बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, तो फिर जब परमेश्वर गधे दे सवार की ऊपर बैठे तो रास्ते में बहुत सारे लोगों ने की किया, उसे कपड़े इतने बिछाने वास्ते रास्ते में कपड़े बिछा दिते, सारे खजूर दिया डालियां कपड़े बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। और औरों लोगों ने की किया, खेतों में दरख्त बिंदों खजूर दिया डालियां बढ़ बढ़ के उन्होंने बिछाया रखते था, जो उसके आगे के जाने जाते और पीछे पीछे चलते आते थे, तो लोग ओदे मोहरे भी जाते ही इस तरह कपड़े बिछाते ही दरख्त दालिया खजूरिया दालिया बिछा के, और पिछे भी जाते ही अगे भी सके परमेश्वर गब्बे सके और जा रहे थे। और ये कहते जोर जोर आवाज दे के कहते पुकार पुकार कह रहे थे, हो सना धन्य है वो प्रभु के नाम से आता है, हालेलुया हो सना के तन है जड़े लोग परमेश्वर के नाम से आते हैं, तन है वो लोग जड़े प्रभु के नाम तो आते हैं, तो जड़े प्रभु के नाम में आते हैं तन है, और दूसरा आदमी प्रभु के नाम में नहीं आ सकता, वो ही जो आ सकते हैं जड़े कि परमेश्वर नाल प्यार करते हैं। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है, दाऊद का पिता जरा राज आ रहे हैं, बहुत तन है कहता आकाश में होसना, कहता आकाश में होसना ओदा तन वह है करते सारी। वो जरूसलम पहुंचकर मंदिर में आया, हालेलुया, तो प्रभु गदी जी बच्चे थे सवार करके कितने आए जरूसलम में मंदिर में आया, और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारों के साथ बेदनिया गया, चारों सारे सारे चीजा ने देखा, और बारों चेले आया बेदनिया नगर में प्रभु आ गया, क्योंकि शान ही शान हो गई, हालेलुया। तो शामा का टाइम सी, शामा पै गए जब परमेश्वर ने संगत नदी के सवार करके जा रहे शामा पै गई। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी, हालेलुया हालेलुया। दूसरे दिन बेतनिया का परमेश्वर फिर निकले तो उन्होंने भूख लगी, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकल गया, तो प्रभु ने जब भूख लगी उन्हें की किया, दूरों ही एक अंजीर का दरख्त सी उते नजर पाया प्रभु ने, उते उन्हें देखा भी उन्हें कुछ लगे होंगे, मैं भूख लगी मैं उधर से अंजीर तोड़ के खाऊंगा, तो परमेश्वर उसे चलिया गया उस अंजीर के दरख्त से और कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, कि जाने कि उधर से कुछ फल लगा जो ना लगना होगा, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, हालेलुया हालेलुया। तो उस दरख्त में परमेश्वर ने जो देखा उसे पत्ते सी उन फल नहीं लगे सी, उनके पत्ते ही लगे सी फल कुछ नहीं सी, इस करके परमेश्वर पिता जरा दरख्त है इंसान को दर्शाया, जिस इंसान को परमेश्वर ने भेजा उन फल लेना लगना चाहिए, फल किवें लगना चाहिए कि जो तुम वचन पढ़ते हो प्रेयर करते हो परमेश्वर के हुक्म में मानते हो परमेश्वर के हुक्म भी चलते हो और उन्होंने भी परमेश्वर का वचन दसते हो, तो फल है वो परमेश्वर देखता है कि किले विच फल है किले विच नहीं है, तो उसके विच उन्हें कुछ नहीं पाया अंजीर के दरख्त पत्ता छिल के, क्योंकि फल का समय न था, वो फल का समय नहीं सी उस दिन। इस पर उसने उसे कहा, तो परमेश्वर ने की क्या उस दरख्त अंजीर के दरख्त की क्या, आपसे कोई तेरा फल न कभी न खाए, हम तो लेके कितना कभी भी तेरा फल कोई भी नहीं खाऊगा, और न उसके चेले सुन रहे थे, तो परमेश्वर के जो चेले हो
सुन रहे सी कि प्रभु उस दरख्त नूं की कह रहा है जिस दरख्त नूं। फिर वे यरूशलेम में आए, फिर उसे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया। वह यरूशलेम में मंदिर से परमेश्वर का भवन से थे, परमेश्वर उससे भवन में चले गया मंदिर में, और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा। तो उस मंदिर में प्रभु के मंदिर में की कर रहे थे, हो लोग उसे लेन देन कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे उसे, तो परमेश्वर ने सारे में बाहर कर दिया था। और सर्पों को, सर्पों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। उसे बहुत सारे जुआ खेलते सी, कबूतर बेचते ही, पशु बेचते ही, परमेश्वर ने सारे उन्होंने जो पीढ़ियां बेचे उन्होंने मोदी करते सब ने बाहर करता, प्रभु ने सारे बाहर करते थे। और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया। हालेलुया, हालेलुया। मंदिर में किसी ने कोई पांडा बर्तन आने जाने देता प्रभु ने। और उपदेश कर रहे थे, उपदेश करके उनसे और परमेश्वर प्रचार कर रहे थे। और उन्होंने क्या, उन्होंने की क्या क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहते ये वाणी से नहीं लिखा कहता परमेश्वर कि मेरा घर सारे संसार के सारे जातियां का एक किसी एक दुनिया सारे जातियां का प्रार्थना का घर कहलाऊगा। जरा चर्च है सारे जातियां का प्रार्थना का घर कहलाऊगा कहता परमेश्वर। पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। और तुसे की बनाया कहता हमने थे डाकुओं का, चोरों का, चोरों का घर बनाता। ये परमेश्वर का घर है जिसे असी कीर्तन करना, वाणी पढ़ना। और तुसी की कर रहे हो थे जैसे लेन देन कर रहे हो, कबूतर बेचते हो, जुआ खेलते हो। ये कहता परमेश्वर का घर है, ये डाकुओं का घर नहीं है। यह संकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे। तो थे प्रधान से याजक, शास्त्री, फरीसी लोग ये सुन के कि परमेश्वर की कहता भी इतनू अपो कितना फसाना, कितना जाना मारना, वो कोई तरीका लगन लग पे। क्योंकि वे उससे डरते थे कि सारे परमेश्वर तो डरते थे, इसीलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर वाणी का प्रचार करते सी सारे लोग हैरान हो जाते जो वचन सुन के। सांझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। तो शाम का जो टाइम सी उन्होंने नगर तो बाहर चले गए बैंक तो। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सुखा हुआ देखा। हालेलुया, हालेलुया। जब सवेरे उठ के उतों दी फिर जा रहे थे वापस, तो जिस परमेश्वर ने उस अंजीर के दरख्त नु क्या आज तो तेरा फल कोई भी नहीं खाऊगा, तो उन्होंने जब चेले प्रभु नाल जा रहे थे उन्होंने नजर मारी इस दरख्त पे। अब चेले कहते मिले भी वो जरा अंजीर का दरख्त सी थले तो लेके ऊपर से सारी सूख गया, एको दिन तो सूख गया सारी। पतरस को वह बात समरण आई, तो पतरस ने वो गल याद आई, उसे लड़ के आई और उसने उसे कहा हे रबी देखा ना देख या अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहता प्रभु तुसी इस अंदर के दरख्त विच फल नहीं पाया और तुसी इन्हें श्राप देता ही ना, तो कहना देखो सारे सूख गया है। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने पतरस को की जवाब दिया परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया, वो कहता सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखो। पतरस ने कहता परमेश्वर की कहता परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम सच दसता है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता
और इस पहाड़ में कहूंगा इतना उखड़ के चले जा, वो समंदर में जा पड़ और फिर से उखड़ के पहाड़ समंदर में चला गया और अपने मन में संदेह न करे और अपने मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भी काम होना कि नहीं, पूरा विश्वास न करो गंदा वरना प्रतीत करे पूरा विश्वास न करो कि जो कहता वो हो जाएगा। हालेलुया, जो तुम मैं कहीं आया वो हो जाऊंगा। ये पहाड़ समुद्र में तो ऊपर लग जा, उस पहाड़ में जाना पैदा विश्वास ना। अगर कहीं कहूँ कि पता नहीं होना कि नहीं, पता नहीं होना कि नहीं, पता नहीं मैं ठीक होना कि नहीं, पता नहीं ये चंगा होना कि नहीं, तभी संदेह मन में, तभी मन में संदेह है, तभी विश्वास नहीं है। जे तुम विश्वास कर दो परमेश्वर ते वो काम हो जाएगा। कोई भी आ वो ठीक हो जाएगा, कितना भी बीमारी आ, कितना का भी शैताना चले जाना, तो उसके लिए वही होगा जरा तुम विश्वास करोगे उधर ही वही काम होगा प्रभु पिता करूंगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ इसके परमेश्वर पिता मैं तानो कहना है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, हालेलुया, जो भी तुम प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगो तो प्रतीत कर दो, विश्वास करो कहना विश्वास मान लो कि तुम्हें मिल गया। हालेलुया, तो तुम मिल गया विश्वास ना तुम जो कहोगे हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा, कदम मुकाम पता हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, खड़े होकर प्रार्थना करते हैं किसी पे एम्पायर ने गुस्सा गिलाया था जा, तो क्षमा करो तो उन्हें तुम माफ कर दो, किसी ने गुस्सा गिला तो माफ कर दो, इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा करे, ये तारा स्वर्गीय पिता भी तुम तारा अपराध क्षमा कर दे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी भी किसी का अपराध क्षमा नहीं करते हो तो परमेश्वर ने भी तनु माफ नहीं करना, साफ साफ परमेश्वर कहना तो मैं भी तनु पीछे माफ नहीं करूंगा, सकते भी माफ नहीं करूंगा, उसी माफ करूंगे ना तो तनु भी मैं माफ कर दूंगा। वे फिर जेरूशलम में आए, फिर उत्तर परमेश्वर ने प्रचार करके जेरूशलम भी आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान राजा को शास्त्री और पुर्णी उसके पास आकर पूछने लगी, जब मंदिर में जैसे टहल रहा सी घूम रहा सी प्रभु से शास्त्री पुर्णी बहुत सारे आए और पूछने लग गए प्रभु ने तो ये काम किस अधिकार से करता है। हालेलुया, कहता तू जो ये काम करता कितने अधिकार न करता, परमेश्वर ने पूछने लग गया और यह अधिकार तुझे किसने दिया है और ये जरा अधिकार अगर तू प्रचार करता और बड़े बड़े काम करता एक कितने अधिकार में करता था कि तू ये काम करे कि तू ये काम करता देता कितने हुक्म देता था। यीशु ने उनसे कहा मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं तो परमेश्वर कहता सुनो मैं भी एक गलत तुम्हें मैं पूछता था मुझे उत्तर दो मैंने भी तुझे जवाब दे देता तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा फिर मैं भी कहता एदा जवाब तुम दूंगा मैं भी तुम दसूंगा कि अधिकार न करता ये काम किस अधिकार से करता हूं ये काम में कड़े अधिकार में करता है। जमुना का बपतिस्मा का क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था। हालेलुया, हालेलुया। कहना जमुना का बपतिस्मा स्वर्ग वसी कि किसी होर वसी ये दसो मुझे उत्तर दो मैंने जवाब दो कहना तब वे आपस में विवाद करने लगे। हालेलुया, तो उन्होंने आया नहीं सवाल का जवाब वो आपस में तुझे लड़न लग पे उन्होंने इन्हों की दसिए इन्हों की जवाब देखिए कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो कहेगा फिर तुमने उसकी प्रति क्यों न की यही कहिए भी ये बात में जो उन्होंने स्वर्ग लो फिर परमेश्वर ने कहना सानू भी तुलसी में विश्वास क्यों नहीं किया उन्हें कहता अं फस गए पंगे च की गई
और यदि तुम कहें हम कहें मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है। ये आए कहिए कि भाई सानो मनुष्य तो इन्हों से लुआया जन बेची सके इन्होंने डर है सन क्योंकि सब जानते हैं कि सारे लोग जानते हैं भाई कितों वापिस आए कि जूना सचमुच बन सकता था कि जूना जरा सचमुच प्रभु का दास ही और उन्होंने यीशु को उत्तर दिया। उन्होंने यीशु की जवाब था हम नहीं जानते वो कहते भी सोच विचार गया सारे तो प्रभु ने कहते भी अभी नहीं जानते कि कितों सी ये बात। यीशु ने उनसे कहा मैं भी तुमको नहीं बताता। यीशु मसीह कहता उन्होंने कहा मैं भी नहीं तुम्हें बताता ये काम किस अधिकार से करता ये केड़े अधिकार में मैं काम करता मैं भी तुम्हें नहीं दसना जे तुसे नहीं दसा तो मैं भी तुम्हें नहीं दसना। हालेलुया 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 परमेश्वर का पवित्र वचन आज का जो खजूरी अथवा परमेश्वर ने जो गजे सवार होकर आई तो सारे भैन भरा जय सी तुम सामने बहुत सारे परमेश्वर बरकत देंगे ते बहुत आशीष दे गॉड ब्लेस यू आमीन हालेलुया हालेलुया। Amen. Hallelujah. Hallelujah.